हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय पांच श्लोक नंबर आठ। श्री नारद उवाच भवतानुदिता प्रायम यशो भगवतो अमलम येन वासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। अनुवाद। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। दर्शन का मतलब देखना नहीं है, दर्शन का मतलब शास्त्र में बताया गया शास्त्र सिद्धांत क्या है, तात्पर्य। परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैज्ञानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके, और इसीलिए भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकेगा। तो भगवान ने हमें क्यों जन्म दिया, ये प्रश्न कोई पूछे तो ये आंसर देना है कि भगवान हमसे सेवा प्राप्त कर सके। तो कोई बोलेगा, अच्छा हम सिर्फ सेवा करेंगे और भगवान हमसे सेवा प्राप्त करेंगे, तो उसको बोलेगा, बेटा तुमको पैदा करने वाला भी भगवान है, तो भगवान जो तुमको सेवा दे रहा है चुपचाप ले लो, क्योंकि उसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या लिखा है, इससे इसी से भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकेगा। अल्टीमेटली व्हाट यू वांट इज सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। अंत में आपको क्या चाहिए, संतुष्टि चाहिए, आनंद चाहिए, वो सेवा करने से मिलेगा। नहीं तो घर परिवार का सेवा, देश का सेवा, कुत्ते बिल्ली का सेवा तो कर ही रहे हो, कुछ मिला क्या, कुछ तो नहीं मिला, इतने जन्मों से कर रहे हो, तो भगवान का सेवा करके देखो, आनंद नहीं मिले तो बोलिए, गारंटी, मनी बैक गारंटी। वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिसका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुण गान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति है। वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं व्यास देव है, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतः उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या वेद व्यास ने की ही नहीं। यहां पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचना कर वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में करें। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर ये प्रसंग चल रहा है, ऐसे तो पूरा भागवतम ही है ऐसा मधुर, लेकिन भागवत आया कैसे वो कथा यहाँ पे है। तो भागवतम इतना मधुर है तो भागवतम कैसे प्रकट हुआ वो कथा यहाँ पे चल रही है। और देखिए अभी अभी यहाँ से लेकर नारद मुनि बोलना चालू करेंगे तो अगला स्पेशली एक हफ्ता बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने वाला है। पूरे भागवतम का जो आधार है वे नारद मुनि यहाँ पे रखने वाले हैं, भक्ति का आधार, भागवत का आधार। तो नारद मुनि कहते हैं कि जीव का और भगवान का नित्य शाश्वत संबंध है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा
कि क्या संबंध है आपका आपके इष्ट से। तो इस्लाम का पालन करने वाला था, तो मैंने पूछा भाई आप मानते हैं भगवान को, प्रचारक था। बोले बिल्कुल भगवान मतलब ठीक है अल्लाह को मानते हैं, अच्छी बात है। मैंने पूछा फिर आपका संबंध क्या है उनके साथ, तो नहीं बता। बहुत सारे हिंदू भी नहीं बता सकते, बहुत सारे क्रिश्चियन भी नहीं बता सकते, दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं बता सकते कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। संबंध बड़ा क्लियर भगवान स्वयं भी कहते हैं, शास्त्र में भी कहा गया है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, जीवर स्वरूप हय कृष्ण रनित्य दास, ब्रह्मा जी भी कहते हैं, यहाँ नारद मुनि ने भी कहा, तो अनेकों अनेक आचार्यों ने कहा, भगवान स्वयं भी गीता में भी यही कहते हैं, मामेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव मेरा अंश है सनातन काल से। तो हम भगवान के अंश हैं सनातन काल से, नित्य शाश्वत एक संबंध है, क्योंकि हम उस संबंध को भूल चुके हैं इसलिए दुख प्राप्त कर रहे हैं। इस संसार में दुख प्राप्त करने का कारण ही एक है, हम भगवान से अपने संबंध को भूल चुके हैं। तो अगर सुख प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, जो संबंध को भूल चुके हैं उस संबंध को याद करना पड़ेगा, पुनः स्थापित करना पड़ेगा, तब जाके हमको आनंद और सुख की अनुभूति होगी। तो ये कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। अब संबंध स्थापित हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि करते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, हम मान लिए कि आप ब्रह्म है, मतलब आप आत्मा है, लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे भी तो कुछ करना है ना। अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा है और आप पुलिस वाले हैं और आप वहां पे आ जाते हैं, झगड़ा चल रहा है, और आप अपनी सिटी बजा के सबको बोलते हैं माइक पे कि मैं पुलिस हूं, मैं पुलिस हूं, मैं पुलिस हूं, फिर भी झगड़ा चल रहा है, तो पुलिस है तो कुछ करो ना, सिर्फ बोलने से क्या होगा। तो वैसे ये मानने से कि मैं आत्मा हूं उससे कुछ नहीं होगा, उसको अभी कुछ करना पड़ेगा। वही है भक्तिमय सेवा। जब हम आत्मा है और भगवान जो है वो भगवान है, परमात्मा है, हम सबके स्वामी हैं, तो फिर एक स्वामी वो है, तो हमारे वो स्वामी हुए तो हम उनके क्या हुए, दास। तो दास का क्या काम है स्वामी के साथ, सेवा करना। इतना सिंपल लॉजिक लोगों का बुद्धि में नहीं घुस रहा है, कोई बड़ा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, वो स्वामी है हम दास हैं। इसके लिए ना कोई आपको पीएचडी करना है ना कुछ, अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। तो नित्य शाश्वत हम भगवान के सेवक हैं, सेवा करने से हमको आनंद मिलेगा, वो श्लोक बताया गया। जैसे भक्ति की परिभाषा दी गई है, सर्वपाधेर विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति क्या है, सेवनम भक्ति रुचते, इस सेवा को भक्ति कहते हैं। तो सेवा किसकी करें, कैसे करें, ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेन मतलब हमारी इंद्रियों से, ऋषिक मतलब इंद्रियां, हमारी आंख, हमारा कान, नाक, मुंह, जीवा, हाथ, पैर, ये सब इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, और 11वां इंद्रियों का स्वामी जो है वो मन, उसको तो पहले लगाना है भगवान, बाकी तब सब अपने आप। शुरू में क्या करते हैं हम, फोर्सफुली, जैसे बच्चे को, बच्चा स्कूल नहीं जाता, आजकल के बच्चे जाते हैं, हमने देखा आजकल छोटे बच्चे, मैं कब स्कूल जाऊंगा, मैं कब स्कूल जाऊंगा, तो बच्चे का माँ बाप का साथ संबंध ही नहीं रहा आजकल, माँ बाप ध्यान दे नहीं रहे, वो मोबाइल लेके बैठा हुआ है, देखिए उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों बच्चा 3 साल की 2.5 साल की उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने माँ को छोड़कर स्कूल जाने के लिए जिद कर रहा है, कैसे छोड़ सकता है 2.5 साल का बच्चा अपनी माँ को,
बचपन से ही ऐसा विरक्ति वाला जीवन दिया है उसको, तो मोबाइल से खेल, मेरे पास समय नहीं है, ये समस्या हो रही। एनीवेज, तो आजकल के बच्चे उत्साहित हैं, हमको जाना है, हमको जाना है स्कूल, जाना है स्कूल जाना है, लेकिन पहले नहीं जाते थे, रोते हुए देखा हमने बच्चे घसीटते हुए ले जाते। लेकिन वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, धीरे धीरे उसका रोना कम होता है। क्यों? क्योंकि स्कूल में अब उसने नए दोस्त बना लिए और स्कूल में उसका मन लगने लगा है, अब मन लग गया उसको। तो वैसे ही हमारे 10 इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी कृष्ण है। तो अभी तो क्या है, मन लगा नहीं है भक्ति में, तो जबरदस्ती तो इंद्रियों को लगाना ही पड़ेगा ना। जैसे बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, कोई बच्चा बोलेगा मुझे नहीं पढ़ना है तो आप छोड़ दोगे क्या उसको? आप छोड़ तो नहीं दोगे ना उसको, आप जबरदस्ती भेजोगे। बच्चा बोलेगा मेरे को नहीं खाना है तो जबरदस्ती उसका मुंह खोल के ठूस दोगे, तो ये अच्छा है? बहुत सारी जगह पे अगर आप जबरदस्ती करते हैं किसी के साथ तो अच्छा है, तो क्यों ना हम अपनी इंद्रियों, अपने मन के साथ जबरदस्ती करें, वो भी तो अच्छा है, हमारे भले की बात है। तो अपने इंद्रियों को नहीं लग रही है सेवा में तो जबरदस्ती लगाइए, उससे क्या होगा, लगने लग जाएगा, उसको आदत हो जाएगी और मन धीरे 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 आएगा। पहले तो वो भी जिद करेगा, बच्चा नहीं जाना चाहता थे घसीटते हुए, स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड, स्कूल में साफ सफाई करने वाली बाई ऐसे उठा के हाथ पैर से ले जाके क्लास में डाल देते उसको। तो ऐसे हमको अपने मन को लगाना है, मन नहीं जाएगा, इतना आसानी से मन नहीं लगने वाला है भक्ति में, ये बात समझ के रखिए। भक्ति का पथ इतना आसान नहीं है, आपका मन आपको पीछे हटाएगा, चैंटिंग नहीं करने देगा, लेक्चर नहीं सुनने देगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, जो पीछे हटाएगा वो जबरदस्ती करना उसके साथ, क्योंकि उसमें उसका भला है, हमारा भला है, मन का भी उद्धार होगा, हमारा भी उद्धार होगा। तो इंद्रियों को जबरदस्ती लगाएंगे फिर धीरे धीरे मन आएगा। ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इंद्रिया, इंद्रियों को ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है वो है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का एक नाम है ना ऋषिकेश, तो ऋषिकेश की सेवा में जब इंद्रियां लगेंगी उसको भक्ति कहते हैं। लेकिन कैसे लगेंगी, कब लगेंगी, वो पहले लाइन में दिया है, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों को छोड़ना है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं नहीं पढ़ा लिखा हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं। ऑब्वियसली पशु तो नहीं कर सकता, लेकिन ये सब जो है उपाधियां हैं, शरीर से संबंधित है, इसको छोड़ना है। शरीर नहीं छोड़ना है, शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है, उपाधियों को छोड़ना है। उपाधियां मतलब टाइटल, पोजिशन, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारी आइडेंटिटी है, हम हैं कृष्ण के दास, और कुछ हमारी आइडेंटिटी, हम सिर्फ कृष्ण के दास हैं, ये बात याद रख, बाकी सब आएगा चला जाएगा, कुछ भी नहीं टिकेगा। टिकेगा तो क्या, यही सिद्धांत की आप हम सभी लोग भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। और ये हमको क्लियर करने के बाद हमको क्या करना है, दूसरों को जाके पढ़ाना है। तो व्यासदेव ने ये बात को डायरेक्टली नहीं कहा शास्त्रों में, अभी तक वेद पुराणों में इतना क्लियरली नहीं कहा। इसीलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि आप ये बात को डायरेक्ट कहिए, क्योंकि कलयुग के लोग वैसे ही वेद पुराण नहीं समझेंगे, गीता भागवत समझने का दूर पढ़ेंगे भी नहीं, पढ़ ले समझ में आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहता है, हमने एक माता को कहा कि आप क्यों नहीं अपने बच्चे को भक्ति कराती है, 13-14 साल का तो लड़का है और आपकी बेटी भी है 20 साल की, उनको भी बोलो भक्ति करने, क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, स्कूल कॉलेज जाते हैं, बुद्धि है, पढ़ना लिखना क्या, एक माला जप नहीं कर सकते?
तो बोले प्रभु जी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। क्या बोलते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, भक्ति जब प्रेम से आएगा अंदर से ऐसा नहीं होता। कल आपकी 20 साल की भक्ति है, किसी दूसरे जात वाले दूसरे देश वाले के साथ शादी करना चाहेगी तो बोलोगे हाँ ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे माता पिता हो, लेकिन प्राय तो ऐसे नहीं होते। तो आपके बच्चे जो बोलेंगे आप करने दोगे? फिर डिसिप्लिन कहाँ पे है? आपका 14 साल का बच्चा बोलता है अभी मैं पार्ट टाइम जॉब चालू करता हूँ पढ़ाई के साथ, तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी बात है। क्या करेगा बेटा? ड्रग्स बेचूंगा तो अलाउ करोगे? आपका 20 साल का लड़की घर में बैठे बाप के सामने सिगरेट पिएगी, अलाउ करोगे? ओ ऐसे भी है, ऐसे नमूने हैं भारत में। मैं एक प्रिंसिपल से मिला था, स्कूल का प्रिंसिपल था, तो मैं उसको समझा रहा था कि क्यों हमें गीता कॉन्टेस्ट करना चाहिए। और रहने वाला कहाँ है? जगन्नाथपुरी का धामबास, अभी कहीं और रह रहा है। मैं समझा रहा था कैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, ये है वो है, लड़के लड़कियां गलत संग में पढ़ रहे हैं। तो बोलते हैं ये गलत क्या है स्वामी जी, मेरी बेटी 18 साल की है, मैं और मेरी बेटी साथ में बैठ के शराब पीते हैं। तो पहले तो मैं ऐसा देखता रह गया उसको, फिर मैं बोला हरे कृष्ण और चला गया, बोला यहाँ कुछ नहीं होने। जब तुम हिंदू हो, धाम का रहने वाला है, और आप बोलते हैं कि आप अपनी 18 साल की बेटी को साथ में बैठा के शराब पिलाते हैं, तो फिर आप ये क्या है, मनुष्य जीवन आपने खराब कर दिया। इसीलिए तो धाम टूट गया ना, इसलिए भगवान वहां टिकने नहीं देते, भगा दिए। तो जबरदस्ती क्यों नहीं करेंगे? हर चीज के लिए जबरदस्ती करते हैं। तो भक्ति के लिए क्यों नहीं कर सकते, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए भगवान भी बोल रहे हैं, जोर जबरदस्ती लगा रहे हैं, आचार्यों ने कहा है, क्यों इतने ग्रंथ लिखे गए? उसके भले के लिए, आपके भले के लिए, इसलिए हमको प्रचार करना है। सिर्फ गीता भागवत पढ़ के बैठ जाएंगे ना, कुछ नहीं होगा, हमको प्रचार करना है, दूसरों को देना है। और दूसरे लोग क्या करेंगे? आपको मना करेंगे, आपको गालियां देंगे, आपको ये भी बोलेंगे कितना कमीशन मिलता है, तो भी आपको सुनना है। कोई कमीशन नहीं मिलता तो भी आपको सुनना है। कुछ लोग मिलते हैं टेढ़े लोग, कुछ लोग, एक हम सिग्नल पे एक बार भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक कार रोकी, मर्सिडीज कार, और उसमें से कांच खुला पीछे से, गुजराती माता थी, बुढ़ी माता थी, 75 साल की हो, हमको कहती है बेटा ऐसे भगवद गीता को रोड पे नहीं बेचते। तो मैं बोला माता जी हमारा मंदिर यहाँ से 2 मिनट दूरी पे है, लोग नहीं आ रहे हैं, तो क्या करूं? इसीलिए भगवद गीता बाहर लेके आनी पड़ती है ना, क्योंकि लोग नहीं सुधरेंगे। और ये हम नहीं किए हैं, ये चालू भगवान ने किया है। भगवद गीता भागवतम वेद पुराण जो है वो तो सब जंगल में ऋषि मुनि पढ़ते हैं, उनको ही पढ़ाना चाहिए। क्यों भगवान ने रणभूमि पे लेके आया अर्जुन को सुनाया गीता? ये ट्रैफिक जो है आज का सिग्नल, ये भी तो रणभूमि जैसा ही। तो भगवान ने, यू नो, कृष्णा इज वेरी अनऑर्थोडॉक्स, इनोवेटिव। क्या कब जरूरत है कृष्ण को पता वैसे ही देते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने निकले हैं, दक्षिण भारत यात्रा करते हैं, उत्तर भारत यात्रा करते हैं, क्यों प्रचार करते हैं? उनको भी लोगों ने गलत समझा। प्रकाशानंद सरस्वती महाराज बोलते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं उनको कि आप बैठो, आप सन्यासी हो, बैठ के वेदांत पढ़ो, ये क्या पागलों की तरह नाच रहे हो? फिर उन्होंने उनको डिफीट किया चैतन्य महाप्रभु, और सारे इनके 10,000 सन्यासी शिष्य सब नाचने लगे। हरिनाम को पहुंचाना है हमको,
भगवद गीता को भागवतम को पहुंचाना है दूसरों तक। फिर मैंने वो माता जी को बोला, मैं बोला माता जी, हाँ पहले तो उन्होंने बोला रोड में मत, फिर बोलते इसको बेचो मत बेटा। मैं बोला माता जी मैं नहीं बेचूंगा, आप हमारे मंदिर आइए अभी मेरे साथ, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, आप 5,000 गीता स्पॉन्सर कीजिए, रसीद आपको अभी दे देता हूँ, और 5,000 गीता आपके नाम पे बढ़िया स्टिकर लगा के फ्री में बांट दे। ठीक है ठीक है, मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, अभी थोड़ा जरूरी काम से जा रही हूँ, कांच चढ़ाए निकल गए। मैं बोला चलो जाओ। तो ऐसे लोग हैं जो खुद भी नहीं करेंगे, दूसरों को भी नहीं करने देंगे। आप तो कुछ कर नहीं रहे हो धर्म के लिए, तो जो कर रहा है उसको कम से कम थोड़ा उत्साह दो। तो आप जब भगवद गीता दूसरों को देंगे, भक्ति दूसरों को देंगे, तो आपके उत्साह को तोड़ने वाले बहुत लोग बैठे होंगे। असुरी प्रवृत्ति है ना संसार में, कलयुग में सब असुर ही असुर है, कुछ एक आध आपको देवता मिलेंगे, उन्हीं को भक्ति कराने। अब आपको पता नहीं सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसलिए हम सबको बोलते हैं, कोई सुनता है ठीक है, कोई नहीं सुनता है ठीक, जो नहीं सुनता है जाने देते हैं उसको, जो सुनता है उसको और प्रचार करते हैं, लेकिन प्रचार तो सब तक पहुंचाना है। ये हरे कृष्ण महामंत्र और भगवद गीता हर जीव तक पहुंचाना है, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई भी मृत्यु के पहले इसको जरूर स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो क्यों। ये वैष्णवों का दया है, हम वैष्णव नहीं है, हम लोग कौन है, हम लोग वैष्णवों के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे आचार्यों का इतना दया है, उनको देख के रोना आ जाता है कि कैसे ये जीव नरक में जाएगा तो क्या करेगा, इसके साथ जो होने वाला है वो सोच के बेचारे के साथ क्या हालत खराब होने वाली, वो सोच के हमारे आचार्य उनका हृदय रोता है, इसको बचाऊं कैसे मैं। तो इसीलिए वो हरिनाम प्रचार करते हैं, भगवद गीता का प्रचार करते हैं, भले उनको गाली पड़े, भले उनको सर पे न मटका फोड़ दिया, हमने कहा ना नित्यानंद प्रभु के प्रचार करना चाहिए। इसमें बताया वेद पुराण, देखिए वेद पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी खुद कंफ्यूज हो गए, विचलित हो गए, तो वेद पुराण पढ़ के हमारा क्या फायदा होने वाला, इसीलिए हमको क्या पढ़ना चाहिए, भगवद गीता भागवत, क्लियर यहाँ पे लिखा है। तो ये बात है, हमको दूसरों तक पहुंचाना है। अब कैसे, हमने आपको कहा था आप सोच के आइएगा, तो बहुत सारे तरीके हम प्रचार कर सकते हैं। देखिए जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि जो भगवद गीता का प्रचार करता है उसके जैसा सेवक न हुआ है न होगा, वो मुझे अति प्रिय है। फिर भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं प्रचार करने के लिए, फिर आचार्य आते हैं प्रचार करने के लिए, और हमारे लिए बड़ा सरल बना देते हैं। आज कहीं भी जाएंगे तो भगवद गीता को लोग जानते हैं, इस्कॉन को जानते हैं लोग, सम्मान करते हैं, फिर भी असुर भरे पड़े हैं लेकिन सम्मान करते हैं इस्कॉन को। तो एक तो है आप घर घर जाके लोगों को गीता दें, घर घर में जाके हम लोगों तक गीता पहुंचाएं। दूसरा है, हमने आपसे कुछ आइडियाज बताए थे लेकिन हम सोचते हैं कि आप बताएं, है ना, तो हमने आपको कहा था सोचिए आप कैसे, क्योंकि आप ही लोगों को गीता बांटना है, समाज में आप रह रहे हैं, हम तो करेंगे अपने तरफ से, आप लोग करेंगे तभी ना आपका उद्धार होगा। तो या तो गीता बांट सकते हैं घर घर जाके, या तो किसी को बोल सकते हैं कि आपके घर में शादी है, आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, आपके घर में किसी का बच्चा पैदा हुआ है, या जन्मदिन है किसी का, जन्मदिन है भाई, 11 गीता, 21 गीता, 51 गीता, 108 गीता बांटो ना,
शादी पे लोग 10-10 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, क्या 108 गीता नहीं बांट सकते? 10 लाख खर्चा करेगा, 12-15 हजार का गीता नहीं बांट सकता? और वो खर्चा एक दिन का होता है। हमने तो सुना है शादी के लिए लोग, जो बॉम्बे की तो बात ही छोड़ दीजिए, बॉम्बे के बाहर की बात करें, शादी के लिए लोग रिसेप्शन के लिए लॉन बुक करते हैं, उसको सजाते हैं, उसमें 3 लाख 4 लाख चला जाता है, कुछ घंटों के लिए 3-4 लाख। तो आप क्या उसका 5% 15 हजार रुपए गीता बांटोगे, 108, तो 108 परिवार को उद्धार हो जाएगा, उसका भला आपको मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर आप में से कुछ लोग कंपनी में जॉब करते हैं, अपने कंपनी वालों को बोलिए, उनको दीजिए, उनको बोलिए स्पॉन्सर करने के लिए, उनको बोलिए कि अपने कंपनी वाले को बोलिए कि भाई आप बांटोगे वैसे भी कुछ न्यू ईयर पे, तो सबको गीता बांटो। वो काजू किशमिश बांट के क्या मिलने वाला है? बहुत सारे कंपनी वाले बांटते हैं, वो पैकेट बना के देते हैं, काजू रहता है, किशमिश रहता है। तो फिर कोई बोलेगा लेकिन हमारे कंपनी में मुसलमान भी है। मान तो मुसलमानों को नहीं लेना, वैसे लेते हैं, मुस्लिम भी लेते हैं, आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे मुस्लिम भी गीता लेते हैं हमसे, मांग मांग के लेते हैं। तो ये कर सकते हैं, स्पॉन्सर करा सकते हैं। फिर हम लोग भगवद गीता कॉन्टेस्ट करते हैं। भगवद गीता कॉन्टेस्ट मतलब हम स्कूलों में जाते हैं, अलग अलग स्कूल्स में, और वहां पे हम स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, हम लोग क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, और स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं कि आप पार्टिसिपेट लीजिए इस गीता कॉन्टेस्ट में। हम उनको गिफ्ट देते हैं, तो उसमें जो है गीता ऑलमोस्ट फ्री जाती है, क्योंकि बाकी मटेरियल, प्राइजेस, गिफ्ट्स, इन सब के पैसे लग जाते हैं। स्टूडेंट्स हम कुछ एनरोलमेंट तो लेते हैं, फ्री में नहीं करते। प्रभुपाद जी बोले फ्री में कोई वैल्यू नहीं करेगा, और उस समय गीता या तो सब्सिडाइज करनी पड़ती है या तो ऑलमोस्ट फ्री देनी पड़ती है, क्योंकि बाकी खर्चे हो जाते हैं। तो उसके लिए हमको स्पॉन्सर चाहिए, तो इसको कहते हैं विद्यादान। देखिए, अन्नदान किया आपने, अन्नदान किसी को अनाज खिलाया, 4 घंटे में खत्म, हजम करके कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा। गौदान भी है, ठीक है, जलदान भी है, ठीक है, लेकिन विद्यादान, आपने किसी को ज्ञान दे दिया, उसका पूरा भविष्य चेंज हो गया, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन भगवान ने ज्ञान बांटा, भगवान स्वयं गीता दी है, तो इसीलिए वो विद्यादान आप लोगों को बोल सकते हैं कि ठीक है, आप भगवत गीता स्पॉन्सर कीजिए, क्योंकि हम स्कूलों में भी बांटते हैं, यानी गीता कॉन्टेस्ट कराते हैं, और जेल में भी बांटते हैं, जेल में प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे कैदी बैठते हैं, 400-500 हम कीर्तन करते हैं, लेक्चर देते हैं, और फिर सबको फ्री गीता देते हैं, उनसे कहाँ से पैसा लेंगे। और बहुत सारे लोग आपको जान के अच्छा लगेगा कि बहुत सारे कैदी छूटते हैं या अंदर भी रहते हैं, गीता पढ़ते हैं, बहुत परिवर्तन होता है। हमारे कुछ भक्तों ने तो अमेरिका में जेल के अंदर ही दीक्षा भी ले ली, उनका लंबा सजा था, तो उनको गीता मिली। अमेरिका में जेल में भी हम लोग करते हैं, वहां पे भी तो गीता पढ़ी, फिर बहुत उसको प्रभावित हुआ, तो उसने कांटेक्ट किया और फिर पूछा कि हरे कृष्ण जप करना है, तो माला मंगवाई, उसने माला करना चालू किया, फिर नियम पालन चालू किया, फिर प्याज लहसुन नॉनवेज छोड़ा, प्याज लहसुन छोड़ा, सब कुछ पालन करने लगा। और फिर जेल में ही कुछ साल करते करते बाद उसने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, उसका दीक्षा भी वही होंगे जेल में। जेल में ही उसका बंधन, उस बंधन में छुटकारा मिल गया उसको। जेल में तो शरीर है ना, तो उसको दीक्षा मिल गया, उसका भला हो गया, ऐसा है। दूसरा तरीका, और भी तरीके हैं, एक है कि अगर आप किसी स्कूल को जानते हैं, प्रिंसिपल को जानते हैं, कोई टीचर है, आप हमें बताइए, हम उस स्कूल में जाएंगे और उनको अप्रोच करेंगे गीता कॉन्टेस्ट के लिए, और हम करवा देंगे गीता कॉन्टेस्ट।
क्यों हम गीता कॉन्टेस्ट करते हैं और क्यों हिट हो रहा है आपको पता है? क्योंकि बच्चे अगर आप सिर्फ भगवत गीता दे दोगे तो पढ़ेंगे नहीं, कितना पढ़ेगा, देख के भाग जाएगा। लेकिन उसको हमने मल्टीपल चॉइस जो होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस आंसर जो होते हैं, उसमें उनको गीता पढ़नी है और आंसर ढूंढना है, तो फिर क्या करते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, एग्जाम देना है तो ये उनको अच्छा लगता है, और फिर सब लोग ले रहे हैं तो मैं भी लूंगा, तो इस बहाने क्या हो रहा है, उसके अंदर संस्कार बन रहा है। छोटा नहीं है बच्चे, हम लोग फिफ्थ क्लास से चालू करते हैं। एक बार तो हम एक जगह कर रहे थे, तो भाई बहन थे, तो भाई थर्ड क्लास में था और बहन नाइन्थ क्लास में थी, तो उसकी बहन ने तो एनरोल कर दिया। अब हमने क्लास चालू किया था फिफ्थ क्लास से ऊपर, और थर्ड क्लास वाला भाई घर में रोने लग गया, नहीं 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 ये जो प्रोग्राम कर रही है मुझे भी करना है, रोने लग गया। उसके लिए एक्सेप्शन लिया, थर्ड क्लास का बच्चा, हाँ थर्ड स्टैंडर्ड में, उसको भी गीता दिया और भी पढ़ रहा है, एग्जाम भी लिखा उसने। तो गुरुकुल में वैदिक कल्चर में 5 साल की उम्र में ये सब सिखाया जाता था। 5 साल मतलब क्या है, वो अभी तो क्लास 1 में पहुंचा होगा शायद, फिर भी अभी हम क्लास 5 से चालू करते हैं, थोड़ा समझ होना चाहिए, नहीं तो सबको देना चाहिए। तो आप में से किसी के कांटेक्ट हो तो बताइए, आप करिए अपने अपने शहर में, हम सपोर्ट करेंगे आपको बाकी सब चीजों के लिए। आप आगे बढ़िए, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम बैठे। आप बोलोगे प्रभु जी बहुत बड़ा स्कूल है, 3,000-4,000 बच्चे हैं, प्रिंसिपल मान के अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन हम चाहते हैं कि 1-2 लोगों को आप भेजिए जो यहाँ पे थोड़ा इनको बताएंगे, हम भेज देंगे, 2 दिन के लिए आ जाएंगे हमारे भक्त, अनाउंस कर देंगे, एनरोल कर देंगे। सोचिए कितना कृपा मिलेगा भगवान का आपको। ऐसे भी कई स्कूल हैं जहाँ पे 1,000-1,000 बच्चों ने गीता कॉन्टेस्ट के लिए एनरोल किया, तो जिस व्यक्ति ने, जिस भक्त ने कराया था, आप जैसे कोई गृहस्थ था उसने कराया, तो भगवान ने तो उसको स्कोर दे दिया ना भाई, 1,000 स्टूडेंट्स का उद्धार नहीं किया आपने, 1,000 परिवारों को उद्धार किया। तो भगवत गीता घर जाती है जब बच्चा लेके जाता है, लेकिन बच्चे के अलावा माँ बाप भी पढ़ते हैं, भाई बहन पढ़ते हैं, तो एक बुक जो है वो पूरे परिवार का उद्धार कर सकता है, और उस परिवार में कोई भक्त बन जाता है तो पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। तो कितने लोगों का उद्धार कर दिया आपने, इसको कहते हैं दया। वो दिमाग लगाना पड़ता है, शक्ति लगानी पड़ती है, गाली खानी पड़ती है, मार खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी प्रचार करते हैं। जीसस क्राइस्ट क्यों मारा गया उनको, सिर्फ प्रचार ही तो कर रहे थे ना धर्म का, मार दिया। तो हमारे आचार्य हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उनको मारने का प्रयास किया। प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, थोड़ा प्रचार कर रहे थे। हिरण्यकश्यप ने उनको मारने का प्रयास किया। तो ये चीज से डरना नहीं चाहिए। हमको लगता है इंसल्ट हो जाएगा, प्रभु जी मैं कैसे जाऊं, हमारा समाज में इज्जत है, मैं ऐसे कैसे पुस्तक बेचूंगा। इज्जत क्या है और कौन से समाज में है? जब आपको जरूरत पड़ेगी पैसों की तो यही समाज आपके साथ नहीं होगा, ये आपको पता है, कोई आपके साथ नहीं होता, भगवान ही आपके साथ है। जब आपकी मृत्यु होगी तो ये समाज वाले बचाएंगे क्या आपको, भगा देंगे यमदूतों को? इतना शक्ति है, लेकिन भक्तों में और भगवान में ही शक्ति है। हम अभी एक विद्यादान फॉर्म आपको दिखा रहे हैं, वो सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे आज आपको दिखा रहे हैं, उसमें होता है वो जाके आप दूसरों को दीजिए कि लीजिए विद्यादान कीजिए, क्योंकि वो स्कूलों में या जेल में जाएगी, कितने सारे लोग उसको पढ़ के लाभान्वित होंगे, उनका भला होगा, भक्त बनेंगे। बहुत सारे हमारे पास एक लड़का आया था कॉलेज में, फर्स्ट ईयर पढ़ता हूँ, तो बोला प्रभु जी मैं 16 माला जप करता हूँ। मैंने 16 माला कैसे तुमको प्रचार हुआ? बोले मैं जब स्कूल में था ना 7th क्लास में, तब गीता कॉन्टेस्ट हुआ था, तब मैंने उसमें भाग लिया था, तब मैं अपने आप जप करने लगा, करते 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 आप 16 माला कर रहा है। अब जाके वो इस्कॉन के संपर्क में आए। कई बार होते हैं छोटे छोटे शहरों में, अब तो प्रभुपाद जी की कृपा से छोटे छोटे शहरों में भी सेंटर बनने लग गए हैं, भक्त हैं,
आप देखिए कितनी जगहों से आप आए हैं, तो आप प्रचार कीजिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिसका भी जन्म भारत भूमि में हुआ है, आप में से कौन कौन है जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, हाथ उठाइए। सबका हुआ है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो यार, आप में से कौन कौन मनुष्य नहीं है, जो मनुष्य नहीं है वो हाथ उठाए। सभी मनुष्य हैं, तो भारत भूमि में जन्म भी लिया है, मनुष्य भी हैं, तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अपना जन्म सार्थक करो और कर ही रहे। आप रोज मॉर्निंग में आते हैं जप करने के लिए, हालांकि कुछ भक्त कम आते हैं, मॉर्निंग में जप करने के लिए आना चाहिए, संघ में जप करना चाहिए, संकीर्तन आंदोलन है ना, संघ में कीर्तन करना चाहिए। तो ये हो गया जन्म सार्थक। इसके बाद क्या, भारत भूमि में जन्म हो गया, मनुष्य जन्म मिला, इसलिए अपना जन्म सार्थक कर लिया हमने। हाँ, अब क्या, अब बस सोएंगे नहीं, अब दूसरों को भी तो जन्म सार्थक करना है, दूसरों का भी भला करना है, तो इसीलिए करो परोपकार, दूसरों पर परोपकार करो। जितना आप दूसरों के भले के लिए सोचेंगे, उतना आपका हृदय पुलकित होगा, उतना आपका हृदय कोमल होगा। जितना अपने बारे में सोचेंगे, हृदय कठोर होगा। देख लीजिएगा, जो स्वार्थी होता है उसका हृदय कठोर होता है, जो परोपकारी होता है उसका हृदय जो है वो कोमल होता है। तो इसीलिए परोपकार करना सीखना चाहिए हमको, तब भगवान को प्रसन्न कीजिए। हरे कृष्ण।